सुमेरपुर नगर पालिका के ठेकेदारों की सोमवार को बैठक हुई। बैठक में मॉनसून पूर्व विकास कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। पालिका सभागार में हुई इस बैठक में अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार मॉनसून से पहले सभी विकास कार्य पूरे किए जाएं। लॉकडाउन के कारण मजदूर नहीं मिलने से 3 माह कार्य बंद रहे, अब श्रमिकों की उपलब्धि हो गई है। आचार्य ने ठेकेदारों को स्वीकृत हुए विकास कार्य मॉनसून पहले करने के निर्देश दिए, ऐसे मॉनसून के समय जनता को परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। किए गए और उनसे साथ में एक वार्ता भी की गई और कहा गया कि जो कार्य उनके आवंटित हो चुके हैं, कार्य आदेश दिए जा चुके हैं, वो वर्षा ऋतु से पहले काम शुरू कर दें ताकि आम जनता को मानसून के पश्चात किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। गड्ढे भरने का काम, पेच रिपेयरिंग का काम, नाला नाली निर्माण का काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जानी थी और वो सिस्टम फेल हो चुका था तो उसको भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं और ठेकेदारों ने आश्वस्त किया कि इस हफ्ते के अंदर वो सारे काम शुरू कर देंगे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ कार्य पूर्ण